नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम आपका आधुनिक काव्य है, उसमें पाठ जो दो है मैथिलीषण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ये जो पद हम पढ़ रहे हैं उनकी व्याख्या हमने की। आज की जो व्याख्या है, आज के जो पद है वो देखिए, इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है, उर्मिला की मार्मिक स्थिति का चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के पद हम देखते हैं। ये जो पहला वो ऊपर वाला जो पद है, ये जो चार पंक्तियाँ हैं वो शार्दूल विक्रीड़ित छंद है। ये शार्दूल विक्रीड़ित छंद है, ये छंद आपके वर्णिक छंद है, 19 वर्ण का है ये, और इस पर 12 और 7 पर यति होती है। ठीक है, ये जो छंद है शार्दूल विक्रीड़ित छंद है। ठीक है, सींचे ही बस माली ने कलश ले कोई न ले कर तरी साखी फूल फले यथेच बढ़ गे फेले लताएं हरी कीड़ा कानन सेल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता बहे। तो ये जो पद है शार्दूल विक्रीड़ित छंद है, और इस छंद में 19 वर्ण का छंद है और 12 और 7 पर यति होती है। तो इस छंद के माध्यम से अब देखिए मैथिलीषण गुप्त जी क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें भी उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग में आप ये लिखेंगे, प्रस्तुत पद मैथिलीषण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्गृत है, और इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। बड़ा मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। जब श्री राम के 14 वर्ष का जब वनवास होता है उनका, तो उसमें उनके पति जो उर्मिला के जो पति है लक्ष्मण, वो भी उनके साथ जाते हैं। तो इसी प्रसंग में जब उर्मिला उनके जाने के बाद में किस प्रकार से विरह से व्याकुल हो गई है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो विरह से पीड़ित उर्मिला ये कहती है कि सींचे ही बस मालिनी, सिंचे मैंने सिंचे, मालिनी मैंने मालिनी, मालिनिया जो है मालिनी, कलश लेकर के घड़े लेकर के कलश लेकर के क्या करें, मालिनिया है वो पेड़ पौधों को क्या करे, सिंची सिंचाई है उनकी करे, कोई न ले करतरी, करतरी मैंने कैंची या जो वृक्ष आदि काटने के लिए काम आती आने वाली दरांती है वो कोई न ले, साखी फूल, साखी मैंने वृक्ष, वृक्ष इत्यादि है वो क्या हो, फूल फले, फूले फले, ठीक है ना, पुष्पित पल्लवित होते रहे यथेच मैंने अपनी इच्छा से, अपनी यथेच का अर्थ होता अपनी इच्छा से, बढ़ के मैंने विकसित होकर के, बढ़ करके वृद्धि करके विकसित होकर के फैले लताएं हरी, लताएं यानी बेले, बेल बेले हरी भरी जो बेले हैं वो क्या करें विकसित होकर के चारों तरफ उपवन में फैल जाए। तो ये इसमें पद का वर्णन इसमें किया गया है। क्रीड़ा कानन का अर्थ देखिए, क्रीड़ा रूपी जो वन है उपवन है उसमें जो सेल यंत्र है पर्वत यंत्र, सेल का अर्थ होता पर्वत यंत्र, अर्थात जो रहट इत्यादि है वो जल से संसिक्त मने सिंचित होता रहे, सिंचाई होती रही, सिंचित हो सिंचाई होता रहे, और मेरे जीवन का, यहाँ पर मेरे जीवन रूपी जो वन है या उस जीवन रूपी जो जल का जो सोता है झरना है उससे मेरा हृदय है वो भिगोता बहे, मैंने भिगोता रहे, हृदय है वो क्या होता रहे, हृदय भिगोता रहे। तो ये इसका अर्थ होगा। देखिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है, प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं ये चाहती हूँ कि जो उपवन की जो मालिनियाँ है वो मालिनियाँ सब सींचे ही बस मालिनी कलश ले कोई न ले करतरी,
यानी जो मालिनी है उपवन की, जो मालिन जो उपवन बगीचे की देखभाल करती है, ऐसी मालिनियाँ केवल पेड़ पौधों को कलश लेकर के सिंचित करती रहे ताकि पेड़ पौधे हैं वो फले फूले, साकी फूल फले, यानी पेड़ पौधे उपवन के सब फूल फूल उनके फूले फले का अर्थ हो गया विकसित होते रहे और अपनी इच्छा से वो बढ़े। उन पेड़ पौधों पर, उन लताओं पर कोई भी कर्तरी यानी कैंची या दरांती कोई नहीं चलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य उर्मिला चाहती है कि जो उपवन के अंदर जो पेड़ पौधे लताएं हैं वो सब की सब बढ़ती रहे, उनको कोई काटे नहीं और वो हरी भरी लताओं से चारों ओर उपवन वो आच्छादित हो जाए, ये उर्मिला चाहती है। साथ ही साथ उर्मिला वर्णन उर्मिला कह रही है अपनी सखी से कि ये सखी जो उपवन के अंदर जो पर्वत यंत्र है, जो क्रीड़ा रूपी ये जो उपवन वन है, क्रीड़ा वो कानन वन है, क्रीड़ा रूपी जो ये वन है, क्रीड़ा रूपी जो वन है, उस वन में जहाँ पर ये सखी उर्मिला अपने सखियों के साथ संयोगावस्था में कभी जाती थी और वहाँ पर खेल इत्यादि वो करती थी सखियों साथ, हास प्रयास उस वन में क्षेत्र में करती थी, तो यह क्रीड़ा रूपी वन में जो पर्वत यंत्र यानी सेल यंत्र यानी पर्वत यंत्र जिसको रहट कहते हैं, ये जो रहट है उस रहट से वो बगीचे को सिंचित है, वो मालिनिया वो करती है, तो उस रहट यंत्र से संसिक्त होता रहे यानी उपवन को सिंचित है वो करते रहे। और इसी प्रकार से हे सखी चलो वहीं उस उपवन में, चलो सखी हे सखी वहीं पर चलिए जहाँ पर उस उपवन में मेरे जीवन रूपी जो झरना है वो मेरे हृदय को भिगोता रहे, जीवन रूपी जो झरना है मेरे हृदय को भिगोता रहे, इसीलिए है सखी चलो तुम उसी उपवन में मुझे लेकर के चलो। तो ये यहाँ पर ये उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ उर्मिला यह चाहती है कि उपवन है वो हरा भरा प्रफुल्लित वो बना रहे, तो ताकि ये वियोगावस्था में तो ये चीज़ें उनको कष्टदायी लगती हैं लेकिन संयोग अवस्था में यही चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये इसका में भाव प्रकट हुआ उर्मिला की विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो छंद का है, इसके अंदर सादुल विक्रीड़ित छंद है, सादुल विक्रीड़ित छंद है इसमें, और इसके साथ साथ आपके अनुप्रास अलंकार है और आपके ये उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये छंद में आप अलंकारों में ये लिख देंगे, भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है मेहतेशन गुप्त जी ने, और उर्मिला की अत्यधिक विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख लेंगे। अगला पद देखिए, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊँ, उर्मिला कहती है क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊँ, है ये क्या हाँ आज जो मैं जताऊँ, है ये क्या हाँ आज जो मैं जताऊँ, तू भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा, पांचवी तू प्रवीणा। इस पद में देखिए आगे और साथ में पढ़ लेते हैं, हुआ एक दुःस्वप्न सा सखी के सा उत्पात, हुआ एक दुःस्वप्न सा सखी के सा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। तो इसमें यहाँ पर उर्मिला की अत्यधिक विरह व्यथा के कारण उसको जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी अब सुहा नहीं रही है, तो उसके जीवन में वो अपने आप को विरह से व्याकुल महसूस कर रही है, तो अपने सखियों से कह रही है उर्मिला, इसमें सो सभी भाव वो अपने सखियों से सहेली से कह रही है या अपनी जो सेविका है उससे प्रकट करती हुई कह रही है कि क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं। उर्मिला कहती है हे सखी हे सेविका मेरे साथ अब क्या क्या होगा ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि मैं विरह से पीड़ित रहती हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये मैं क्या बताऊँ, मेरे जीवन में ये जो बातें हो रही है विरह के कारण उसके कारण मैं उन बातों को मैं क्या क्या मेरे साथ होगा ये मैं आपसे क्या बताऊं, है ही क्या हाँ हाँ मैंने हाय आज जो मैं जताऊं, आज इस पर मैं अधिकार दर्शित करूं, जताऊं अधिकार प्रकट करूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है जिस पर मैं अपना अधिकार जताऊं, ये मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ अब मेरे पास नहीं रही है, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास थे जब संयोगावस्था में, तब मुझे ये सब चीज़ें पावनी अच्छी लगती थी, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों से मैं ये मानती हूँ कि उन पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा है। तो भी हे सखी इस विरह वेदना को कम करने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि तू तू तो भी तुल्ली तुल्ली का अर्थ होता है तुल्ली का
जिसको अंग्रेजी में हम ब्रश कहते हैं, जो पेंटिंग इत्यादि पेंटर रखते हैं। तो यहाँ पर इस ललित कला की ओर यहाँ पर संकेत किया कि किसी तरह से इस चित्र इत्यादि बना करके इस विरह व्यथा को मैं कम करूं। तो इसीलिए उस उपवन में तुम बगीचे में लेकर के जाओ क्या, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, तुम तुली का ब्रश, तुली का और पुस्तिका यानी जो सफ़ेद जो कागज़ है वो लेकर के जाओ, और वीणा वो भी लेकर के जाओ, वीणा इत्यादि है वो लेकर के जाओ, वीणा तुलिका और जो पुस्तिका है वो, और चौथी मैं हूँ, चौथी तो मैं हूँ, और पांचवी है सखी तू परवीणा, परवीणा मैंने सभी तरह से कुशल चतुर, हे चतुर सखी चौथी तो मैं हूँ, उर्मिला स्वयं के लिए कह रही है, और पांचवी है सखी तू हो जो सभी कार्य में दक्ष हो, परवीण हो, चतुर हो। तो तुम वीणा को और तुलिका को और पुस्तिका को लेकर के उपवन में चलो, ताकि हम अपनी इस विरह व्यथा से व्याकुल विरह की व्यथा को थोड़ा कम कर सकें, हमारा जो ध्यान है वो इन चित्रों में चला जाए, तो विरह का प्रसार है वो थोड़ा कम हो जाए। हुआ एक दो स्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, उर्मिला कहती है कि मेरे जीवन में है सखी ये अनेक प्रकार के दुःस्वप्न, बुरे स्वप्न, दुःस्वप्न का मतलब होता है बुरे स्वप्न आते रहते हैं, सपने आते रहते हैं, आखिर ये जीवन में कैसा उत्पात मच गया है, कैसा ये उत्पात है, मेरे जीवन में तरह तरह के बुरे स्वप्न मुझे आ रहे हैं, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, ये तो सोते हुए भी आ रहे हैं तो दिन जगने पर भी मुझे ऐसे ही स्वप्न आ रहे हैं, तो जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, वो जो स्वप्न बुरे जो स्वप्न है या बुरी बुरी जो उसके मन में जो चिंताएँ हैं, व्यग्रता है, व्याकुलता है, वो बार बार मुझे इस प्रकार से आ रही है, वो तो सोते सोते भी, और ये जो दुःस्वप्न है वो जागने पर भी वैसे ही बने रहते हैं, और ये दुःस्वप्न तो मेरे रात दिन पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो रात दिन मेरे जीवन में इस तरह की व्यग्रता चिंता ये बनी ही रहती है। तो ये सखी से वो कह रही है, खान पान तो ठीक है पर ददंतर हाय, उर्मिला कहती है सखी खान पान तो सब कुछ ठीक है, अर्थात जो खाने योग्य हैं वो सब ठीक है, खान पान तो सब ठीक है, परंतु दुख की बात यह है कि उसके साथ जो आवश्यक विश्राम होता है, तदंतर का अर्थ होता है बाद में, खान पान के बाद में जो विश्राम होता है वो मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय, उस विश्राम करने का, उस आराम करने का उपाय मेरे को कुछ भी सूझ नहीं रहा है। सखी कहने का तात्पर्य है कि खान पान तो सब अच्छा है मैं, लेकिन खान पान करने के उपरांत यानी खाने के बाद जो विश्राम करने की जब बात आती है, तब मैं उस वो विश्राम पूर्ण रूप से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम की याद वो आती रहती है, उनका स्मरण होता रहता है, इसीलिए वो उपाय कोई नहीं हो रहा है सखी, वो उपाय मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से उर्मिला है वो विरह वेदना में अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, और सखी से कह रही है क्योंकि दिन रात के उसका जो मन है वो रात दिन क्या रहता है, अशांत, चिंता, बेचैन, जो चिंता से ग्रसित रहता है, बेचैन रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो नायिका या उर्मिला है उसका मन है वो अशांत बना रहा है, ये बात इसमें बताई है। एक तरह से उर्मिला की यूँ कहेगी विरह वेदना के कारण उसका उसको जो जीवन है, ये विशेष में आप ले सकते हैं, विरह वेदना के कारण उर्मिला को जो अपना जीवन है वो कैसा महसूस हो रहा है, नीरस, ठीक है, नीरस महसूस हो रहा है विरह वेदना के कारण अपना जीवन है के कारण अपना जीवन नीरस महसूस हो रहा है, उसको अपने जीवन से कोई आनंद है वो अनुभूति उसको नहीं हो रही है, और अत्यधिक विरह की वेदना के कारण उसको उन्माद की दशा भी हो रही है, ये आप विशेष पॉइंट में लिख सकते हैं, उन्माद विरह के कारण उन्माद दशा का चित्रण इसमें किया गया है, उन्माद दशा की व्यंजना या चित्रण किया गया है, ठीक है, इस बिंदु में हम लिख सकते हैं विशेष वाले बिंदु में। अलंकारों की बात करें तो आपके अनुप्रास है, परिकर है, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, उपमा अलंकार, परिकर अलंकार, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो इसमें आपके उपमा है, परिकर है, आक्षेप है,
और अनुप्राश है, इस अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और छंद की यति गति उचित है, भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, तो ये आप उसमें विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। तो आशा आपको ये जो पद है वो समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो रचनाएं पढ़ी, इसकी जो आगे के जो पद हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।